जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम आपको ले आए हैं यहाँ जो हमारी बहनों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। और इस भंडारे में किस तरह से कहाँ व्यवस्थाएं क्या दे गई हैं आप देख लें कि यहाँ से हमारी बहनों के द्वारा भंडारा के लिए प्लेटें और थालियां जो हैं वो वितरित की जाती हैं एक एक करके। तत उसके पश्चात लाइनों में कतारबद्ध आगे बैठ आप देख सकते हैं, इतने बड़े भंडारा के बावजूद भी बर्तनों की स्वच्छता देखिए आप, कितने सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से आप यहाँ की स्वच्छता देखें और देखें क्या सही क्रम है, किस क्रम में यहाँ पे भंडारा जो प्रसादी वितरण। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले कि ये महिलाओं का जो है हमारी बहनों का भंडारा यहाँ पे चल रहा है, और हम आपको दिखाएंगे कि प्लेटें और थालियां वितरित करने के बाद आपको किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से लाइनों में कतारबद्ध बैठाया जाएगा, और बैठाने के बाद भंडारा जो है सुव्यवस्थित तरीके से परोसा जाता है। आइए हम आपको ले चलते हैं जो कि हमारी बहनें यहाँ सेवाएं दे रही हैं, और इन सेवाओं में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हमारी बहनें माताजी जो हैं एक सुव्यवस्थित क्रम देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का माहौल। और यहाँ जो भंडारा प्रसादी वितरण की जाती है, आप भंडारे को देखिएगा कितने ही व्यवस्थित तरीके से, और हमारी जो बहनें हैं इनको सेवाएं दे रही हैं। आप देखें भंडारा गृह में यहाँ हमारी जो बहनों को भंडारा दिया जा रहा है, कितने ही सुव्यवस्थित तरीके से भंडारा जो है परोसा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्वच्छता के साथ भंडारा जो है ग्रहण किया जा रहा है, और जो हमारी बहनें हैं भंडारा परोस रही हैं, और सुव्यवस्थित तरीके से एक व्यवस्था जिसको क्रम कहना चाहिए, हमारे भाई लोग भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। और ये हमारे भक्तों के द्वारा जो प्रसादी वितरण की जा रही है, भाइयों के द्वारा हमारे भगत लोग जो हैं लगे हुए हैं कतारबद्ध यहाँ से सारा प्रसादी। और ये दिन का माहौल है लेकिन रात की तरह लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था लाइट की वजह से। जिला बड़वानी जहाँ कहीं भी हो भंडारा स्थल के बाहर मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों के द्वारा यहाँ सहयोग के साथ साथ उनका गुणगान भी किया जाता है, मालिक की जो वाणी है मालिक का गुणगान करते हुए हमारे भगत लोग जो हैं सेवाएं दे रही हैं। हमारी बहनें भगत हेमंत दास के साथ जो है यहाँ से प्रसाद वितरण किया जाता है, और मालिक का उसके साथ साथ गुणगान भी किया जाता है जो कि मालिक की दया है। और यहाँ सभी भगत लोग जो हैं गुणगान कर रहे हैं मालिक का, ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि सेवाएं दे रहे हैं, एकदम बड़ी ही खुशी के साथ एक माहौल ऐसा है जो कि एकदम खुशी खुशी लोग सेवाएं दे रहे हैं। इतनी मतलब ऐसा हमें लग ही नहीं रहा कि सेवाएं दी जा रही हैं यहाँ, तो एकदम खुशी खुशी जैसे लोग नृत्य करते हुए जाते हैं वैसे एकदम खुशी के साथ माहौल है पूरा, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इधर आप देखें पूरे में यहाँ पूरे भंडारा प्रसादी की व्यवस्था की गई है, और ये भंडारा जो है लगातार चल रहा है। जहाँ के पास पहुँच जाए
यहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है, आप देख सकते हैं पानी के लिए, यहाँ पीने के लिए पानी और बड़ी स्वच्छता के साथ। आपकी जहां तक नज़र जा रही है पंडाल में, आप देख सकते हैं यहां हमारी बहनों के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है।